मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहान मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहान मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहान का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। आइए जानते हैं हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते वक्त क्या कहा। हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रक्षक की बेंच याचिका खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्ध पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया। सेशन कोर्ट का आदेश न्याय संगत एवं उचित है। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी नहीं हो सकते। राहुल ने 2 अप्रैल को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। पहली अर्जी में सजा पर रोक की मांग की गई थी, जबकि दूसरी में अपील के निस्तारण तक कन्वेंशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इंटर 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।